दोस्तों ये जो आरा मशीन की आ रही है, चलते चलते काम करते करते टूट जाती है, इस तरीके से ये टूटी हुई है। तो इसको किस तरीके से जुड़वाते हैं मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ये टूटी हुई है, ये टूट गई है। अब मैं इसको घिसूंगा पहले रेती से और उसके बाद इसको जुड़वाने जाएंगे। तो इसे घिसने के लिए हमें रेती चाहिए और एक लकड़ी जिस पर आरी रखते हैं, और इस तरीके से बैठकर हम इस तरीके से इसे घिसेंगे। इस तरीके से ये घिस जाती है हमारी, और जब जुड़ती है ये पूरी सार हो जाती है दोनों। अब इसी तरीके से इस दूसरे कोने को भी घिसना है मुझे इसी की तरह। तो दोस्तों ये आरी घिस गई है, अब मैं इसे जुड़वाने जा रहा हूँ, मतलब इस पर वेल्ड कराने जा रहा हूँ। इस पर जो है गैस वेल्डिंग होता है, जो कि पीतल का वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर इस पर वेल्ड होगा पीतल का। तो ये इसकी अड्डी है आरी की, जिस पर आरी बांध करिए सीधी और उसे जोड़ देते हैं वेल्डिंग करके। तो इस तरीके से बांधते हैं दोनों आरियों के सिरों को और इस तरीके से रखते हैं, और ये मिलाकर देख लेते हैं पत्ती से कि आरी सीधी बंधी है। अगर थोड़ी बहुत आउट हो जाती है तो वो सेटिंग कर लेते हैं। और इसमें फिर पीतल का टुकड़ा रखकर और सुहागा बोलते हैं इसको, ये वाइट वाइट पाउडर दिख रहा है, तो इसको आरी के जोड़ पर रख लेते हैं और इस तरीके से वेल्ड कर देते हैं और आरी को जोड़ देते हैं इसे गर्म कर कर, इस तरीके से गैस वेल्डिंग होता है। तो दोस्तों ये आरी जुड़ गई है इस तरीके से, जहाँ से टूटी हुई थी बिल्कुल। ये ऐसा वेल्डिंग होता है इससे पीतल का गैस वेल्डिंग। और ये आरी जो टूटी हुई थी जुड़ गई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।